किताब उत्सव के इस आयोजन में आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र आरोही जी का बिहार से पुराना नाता है, आपका गोपालगंज में जन्म हुआ लेकिन इनका अच्छा खासा समय कोलकाता में गुजरा, और जितना समय कोलकाता में गुजरा उससे ज़्यादा ये साहित्य के पढ़ने लिखने और उसके पीछे दौड़ने में इतना समय इन्होंने लगाया है। आज इनकी पहचान हिंदी कहानी में आजकल जो युवा पीढ़ी कहें आप उसमें एक प्रतिनिधि कथाकार के रूप में होती है। उनकी पहली किताब जादू एक हंसी एक हीरोइन अभी अभी लोक भारती प्रकाशन जो राजकमल प्रकाशन समूह का है तो हिस्सा है उससे छपकर आई है। तो किताब के बहाने रविंद्र जी मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कहानी की दुनिया की तरफ आप कैसे हैं। कहानी के की दुनिया को मतलब क्या अलग से साहित्य की दुनिया में मतलब कॉलेज लाइफ में आने के बाद मूल रूप से कहानी लिखने पढ़ने की दिशा में मतलब सक्रिय रूप से तो शुरुआत जैसे सबकी होती है 6-7-8 क्लास में पढ़ते हुए कहानियाँ लिखना अखबार में भेजना ये सब चलता रहा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, शायद मतलब हो भी लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं था। लेकिन कॉलेज में आने के बाद तमाम बड़े कहानीकारों को गंभीरता से पढ़ने के बाद समझने के बाद हमें लिखने की तरफ एक पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक ठाक संयोजित रूप में आगे बढ़ा। हम लोग युवा पीढ़ी जैसे टर्म का बार बार उपयोग करते हैं, तो आपने अभी बताया कि बहुत सारे कहानीकारों को पढ़ने के बाद आपके जहन में बात आई एक तैयारी के साथ आया जाए, तो दो बातें, एक तो आपने ये किताब निर्मल वर्मा जी को समर्पित की है, अजमेर कुमार शुक्ल जी को समर्पित की है, जिन कहानीकारों से आपको खास तौर से प्रेरणा मिली या जैसे जिनका पढ़ा हुआ जिनका लिखा हुआ पढ़ के आपको ये लगा कि एक अच्छा कहानीकार इस तरह से लिख सकता है, आपके संदर्भ में वैसे कहानीकार कौन से थे? देखिए ऐसे तो मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी बोलकर कुछ होता नहीं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आलोक धनवा जी बोल रहे थे तो कहीं से कम युवा नहीं लग रहे थे, तो युवा पीढ़ी बोलकर मुझे नहीं लगता ही कुछ होता है। और रही बात समकालीन रचनाकारों की बात, तो जो भी जिंदा है जो भी लिख रहा है अगर वो सब समकालीन है तो निर्मल वर्मा जी मेरे समकालीन थे क्योंकि मैं शुरू कर रहा था और खत्म कर रहे थे एक, लेकिन वो उनकी कहानी एक दो आ रही थी, उदय प्रकाश थे निर्मल वर्मा थे, आदमी प्रेमचंद को ही पढ़ा था और रेणु को भी, इन सारे लोगों को पढ़ते हुए लग रहा था कि मतलब एक कहानी जगत में एक रुमानी चीज हो रही थी, कैसे हो रहा है कैसी चीजें घटती। निर्मल वर्मा को पढ़ने के बाद चमत्कृत हुआ आदमी की ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, ऐसे पत्थर ऐसे पहाड़ ऐसे बर्फ को महसूस किया जा सकता है क्या, ये पहली बार लगा। फिर एक बड़ी घटना के पर कुछ बाद उदय प्रकाश आते हैं जो पूरे मतलब आपको हिंदी कहानी में पढ़ते 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 अचानक एक ब्रेक जो आता है वो निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश है भाषा के मामले में। फिर और भी बहुत लोग हैं जो इस तरह से कहानी के प्रभावित करते हैं, लेकिन ये दो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अचानक लगा कि कुछ तो भी गया तो वहां से लगा कि चीजें बदल गई। ये इन लोगों से आपको प्रेरणा मिली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ा रचनाकार जब आपके सामने होता है वो एक बहुत बड़े किस्म की चुनौती भी आपके सामने रहती है, जैसे टॉल्स्टॉय ने जब एक कहानी लिखी इवानी जी की मौत, तो लिखने पढ़ने की दुनिया के प्रायः लोगों ने महसूस किया कि इसके आगे ऐसी संवेदना की कहानी मौत से
जो एक तरह का डायलॉग करती है, जो उसके बारे में बताती है, कोई दूसरी कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद जी कपूर जैसी कहानी लिखी है, पुष्प की रात जैसी, या एकदम लोक कथा जैसी सुदर्शन ने कहानी लिखी हार की जी, तो वैसी कहानियों को पढ़ते लगता है कि अब इस दिशा में तो कुछ लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर निर्मल जी आपके आइकन थे, और दूसरी तरफ निर्मल जी जिस तरह की चीजें लिखते थे, या तो मतलब हम लोगों के सामने जो भी लेखक थे, तो उन कला की दुनिया में अलग करने की भी एक बहुत चुनौती होती है। जो आपके सामने है आप उसको जोड़ा नहीं सकते, तो आपने कैसे? देखिए एक बात मैं बताऊं कि मैंने पीएचडी नहीं किया, ठीक है, और बहुत लोगों ने, मैं इतना निर्मल को पढ़ा था कि बहुत लोगों का मन था कि मैं निर्मल पर पीएचडी करूं, और निर्मल पर पीएचडी करूं ये पीएचडी कराने वालों का मन था कि ये लड़का मेरे अंदर में निर्मल पर पीएचडी करे, और मैं इतना प्रभावित था कि मुझे लगता था कि मैं निर्मल पर एक शब्द नहीं लिख पाऊंगा। मैं इतना प्रभावित था, मुझे लगा कि इस आदमी ने जो अपने बारे में खुद लिख दिया उस पर आप अलग से क्या लिखेंगे। ये तो एक बात है। दूसरी बात कि निर्मल का ये कोट है, मैं कोट कर रहा हूँ, तो हुबहू कोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है कि जब आप किसी से प्रभावित होते हैं, किसी को पढ़ते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं, और जब अपने कक्ष में लिखने के लिए बैठते हैं, तो वे तमाम आत्मीय लोग और तमाम आदर्श आपके, जब आप अपने हाथ में कलम पकड़ते हैं और अपने कक्ष में बैठते हैं, तो चुपके चुपके धीरे धीरे आपसे हाथ छुड़ाकर अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं, और आप अपने टेबल पर अकेले ही रह जाते हैं। तो ये वहां प्रभाव रह नहीं जाता है फिर। जैसे कि एक बच्चे का नाक नक्श अपने पिता से मिलते हुए भी एक बच्चा बिल्कुल अलग होता है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, उसका परिचय अलग होता है। तो आपको लग सकता है पढ़ते वक्त कि ये आदमी प्रभावित रहा हो। और दूसरी बात मैं कोट कर रहा हूँ रसूल अंगतो की, जो आपने बात कही टॉल्स्टॉय की, और कि ऐसी कहानी लिखने के बाद कोई भी सोचता है कि फिर ऐसी कहानी नहीं लिखी जाएगी। कहा उसने, उसने उसका एक कोट है रसूल का कि एक ही जमीन को यदि 10-100 बार जोत दिया जाए, तो 101वां आदमी जो जोतने के लिए आएगा, उसके लिए उस जमीन पर हल चलाना बहुत आसान होगा, क्योंकि 100 बार जोत दिया गया उसको। एक ही विषय पर यदि 100 लोगों ने कविताएं लिख दी है, तो एक एक ही आदमी के लिए बहुत कठिन होगा उसको। तो ये हमेशा से कठिन रहा है, होता है। प्रभावित आदमी नकल करने के लिए नहीं करता, नकल करने के लिए प्रभावित नहीं होता है। प्रभाव एक दूसरी चीज है, प्रभाव बिना प्रभाव का कुछ होता ही नहीं है। प्रभाव प्रभावित होते हैं, लेकिन वो उस प्रभाव से आप एक अपनी ओरिजिनलिटी आप गेन करते हैं। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि प्रभावित होकर के आदमी बेहतर तरीके से ये जान पाता है कि क्या क्या नहीं करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुलसीदास है कि वाल्मीकि से इतने प्रभावित थे, और पूरा रामायण की पूरी रचना एक रामचरितमानस है, क्योंकि उस आदमी को पता था कि जो सम्मुख पद नहीं लिखना है, उस आदमी को पता था कि सीता का निष्कासन नहीं लिखना है, अग्नि परीक्षा नहीं लिखनी। तो बहुत सी चीजें आप जो प्रभावित होते हैं, वो पता चलता है कि उसने क्या किया और मुझे नहीं करना है। तो प्रभावित शब्द नहीं होता है, मतलब मैं ऐसी ही कुछ बात हूँ, और निर्मल जी के ही संदर्भ में नहीं, मतलब तो आपकी जो पूर्ववर्ती पूरी, और जो आपकी पहली कहानी 2007 में छपी, तो मुझे याद है कि उस समय ये बहुत जोर से हल्ला होता था, युवा पीढ़ी ने खुद को यथार्थ से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे। रविंद्र कालिया जी उस समय जनुदय में थे, और आप जानते हैं कुणाल सिंह, चंदन पांडे और आप ऐसे तमाम लोग उस समय जो लिख रहे थे, तो इसके बारे में बहुत बात हो रही है कि ये पीढ़ी यथार्थ से मुक्ति की पीढ़ी है, और यथार्थ के साथ लिखना अब पुराना फैशन है, हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, उसकी सीमाएं स्पष्ट। तो मैं यही जानना चाहता था कि आपने पूर्ववर्ती पीढ़ी की चीजों से क्या क्या चीजें छोड़ी, या वो कौन सी चीज थी जो उन लोगों से छूट रही थी और आप लोगों के आपके लेखन में आई। आप अपने कहानी संग्रह के बारे में थोड़ा
कहानी ना बताएं, कहानी तो लोग किताब पढ़ के जानेंगे। देखिए बात है कि जो लोग कहते हैं कि यथार्थ से छुटकारा पाकर, और सबका यथार्थ ही अपना अलग होता है। मैं आपके यथार्थ को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा तो यथार्थ है जो मैं उसे पकड़ रहा हूँ। सबका यथार्थ अपना अपना यथार्थ है, अपना अपनी अपनी सोच है, सबका अपना यथार्थ है। निर्मल का अलग यथार्थ था, सोचने वाले कहते थे कि निर्मल के युवाओं के पास तो कोई दुखी नहीं है, तो फिर वो किस चीज की कहानी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर वो दुखी क्यों है। तो उस आदमी का यथार्थ अलग था। खैर अब देखिए कि आपका मैं वही बता रहा हूँ, हमारा यथार्थ अलग से। और देखिए जो हमारे पहले की पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी, मतलब मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूँ, पूरी तरह बदल गई है। चीजें सोचने का तरीका बदला है, चीजें पूरी मतलब सूचनाओं का एक बाढ़ आया है। और यहाँ पर मतलब हर दूसरे कदम पर चीजें परिवर्तित हो रही हैं और उसका यथार्थ बदल रहा है। तो हम लोग मतलब मैं किसी वैसे वो बात नहीं कर सकता जो एकदम आदर्श रूप में हो, या यही सही है, मैं कह दूं कि यही सही है। चीजें बहुत विस्तृत हैं, इस पर इस तरह से मतलब बात नहीं की जा सकती कि आपका यथार्थ और आप उसको कैसे लिख रहे हैं। बस जूझ रहे हैं, ये जूझने का समय है, मतलब उसको ठीक ठीक आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता है। ये पूरा मतलब क्या कहूँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक की गिरफ्त में चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गिरफ्त में चीजें हैं। आप इतनी आसानी से इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो जो कह रहे हैं कि वो यथार्थ नहीं दिख रहा, उसे छुटकारा पा रहा, ये समय आप देखिए ना कि बस से जा रहे हैं और अचानक लिखा होता है कि 80% ऑफ सेल, और आपका डेस्टिनेशन कहीं और है, आप उतर जाते हैं सेल देख कर। वो कौन सा यथार्थ है, कौन सी चीजें हैं जो आपको उतार दी, आपको पता ही नहीं कि उसमें पिक क्या रहा है, और आप उतर गए, आप खरीदने गए हैं, कुछ खरीद लाते हैं कुछ। या आज का यथार्थ इतनी आसानी से परिभाषित कर देने वाली चीज नहीं है। उसको वो मतलब हाथी के अलग अलग पार्ट को पहचानना है कि वो ये पकड़ा है, उसने ये पकड़ा है, उसने ये पकड़ा है। ये समग्रता में इतनी आसानी से इतनी कम समय में नहीं बातें की जा सकती इसको लेकर। लेकिन इससे तो आप सहमत होंगे कि हर लेखक का अपना यथार्थ होता है, अपने कहानी। तो आप संग्रह की कहानियों के संदर्भ में कुछ बातें, जैसे कि मेरी पहली कहानी है, कथा में एक नदी बहती थी, कथा में एक नदी बहती थी, मेरी इस संग्रह की पहली कहानी। उसमें है कि एक बच्चा, दो दोस्त हैं, दोनों बेरोजगार हैं, उसमें एक की शादी हुई और एक के पिता कपड़े की दुकान पर काम करते हैं और एक के पिता सरकारी जॉब में। जिसके पिता सरकारी जॉब में है, वो उसकी शादी हो गई है उस लड़की की। रोज सोता है तो सपना देखता है कि उसके पिता मर गए, ठीक है। और वो एक दिन अपने दोस्त से ईमानदारी से कहता भी है, सिगरेट पी रहा है अपने स्कूल के चार दीवारी पर, जहाँ पहले कभी पढ़ा था, कह रहा है कि दोस्त कहता है कि तू सिगरेट स्कूल के पास पी रहा है, कैसा है। तो बोला ये छोड़, ऐसी ऐसी नैतिकता में नहीं मानता, मैं तो सोचता हूँ कि कोई आकर दौड़ते हुए कहे कि मेरे पिता मर गए और तभी मैं सिगरेट पीता रहा। और वो चाहता है कि उसके पिता मर जाए, वो चाहता है। ऐसा एक बार मैं आया था यहाँ पर बिहार में, तो कई लोगों से बातें हुई, कई बहुत दिन रहा भी। तो उसमें सर आप यकीन करें कि जिनके पिता शिक्षक थे या ऐसे किसी सरकारी जॉब में थे, और वो बच्चे जवान हो रहे थे, उनके पास नौकरियां नहीं थी, और वे चाहते थे कि उनके पिता मर जाए ताकि उनकी नौकरी हो जाए। ये हकीकत, और कई कई हत्याएं इस तरह की हुई, और इसको मैंने इस पर लिखा। ये सिर्फ एक कहानी में बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। जैसा कि ये बहुत यथार्थ, क्या बहुत दारुण यथार्थ है, युवा पीढ़ी में फिर कहना चाहूंगा। और जिस समय ये कहानी आई थी तब से समय और ज्यादा गुजर चुका है, और मुझे लगता है कि वो यथार्थ और ज्यादा दारुण और भीषण हो चुका है। उस कहानी को पढ़कर एक बुजुर्ग का फोन आया था, मुझे नाम नहीं पता है,
उन्होंने कहा था कि आपकी कहानी को पढ़कर मेरा आपको सोता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा लड़का मुझे मार देगा, ये सच्चाई। इस तरह से ये आपके संकलन का नाम जादू सत्र पड़ जाता है। इसमें आपके विषय जो वो यथार्थ को पूरी गंभीरता से पकड़ते, लेकिन आपने लिखने का जो अंदाज होता है वो कहीं ना कहीं जिसे जादुई यथार्थ कहते हैं या यथार्थ के साथ जादू का मेल, तो ऐसी शैली अपनाने की आपने कोशिश सोची। देखिए कि सिंपल सी बात है कि आप जो अखबार पढ़ते हैं और उसमें एक यथार्थ है, मैं निर्मल को कोट करूं फिर से, बड़ा संकोच होता है बार बार कहने में, निर्मल को कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि जो शब्द जिस भाषा में जो शब्द एक पत्रकार यूज करता है वही शब्द एक कहानीकार यूज करता है, वही शब्द एक कवि यूज करता है, वही शब्द गुंडा यूज करता है, वही शब्द राजनीतिक यूज करते हैं, वही शब्द एक दलाल यूज करता है। भाषा में शब्द तो वही है, दलाल सारे लोग वही शब्द को घूम फिर यूज कर रहे हैं, पर आप कैसे यूज करें कि उसके मीनिंग बदल जाए, इसी से पता चलता है कि कौन दलाल है, कौन पत्रकार है, कौन कवि है और कौन लेखक है। तो आप सर एक लड़की है, मान लीजिए कि स्कूल से आ रही है, कॉलेज से आ रही है, धक्के खा रही है, गलत टोन झेल रही है, जान पा रही है, माँ बाप से अपनी बातें सुन रही है, मोहल्ले वालों से, यह ऐसी स्थिति है, रोज हत्याएं हो जा रही है, अखबार में आप वही पढ़ते सारी चीजें, मैं भी वही चीजें उसी भाषा में लिखूं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक अलग शिल्प चुना है ताकि आप मुझे पढ़ें और पढ़कर आपको बहुत 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 इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान से चाय पीते हुए ये पढ़ें और तब आपको पता चले कि बात तो बहुत गंभीर थी, उसको गंभीर समझकर आप पढ़ना ना शुरू करें, मैं यही चाहता हूँ। बहुत हल्की बात समझकर पढ़ना शुरू करें तो बाद में आपको लगे कि बात थोड़ी सी गंभीर थी, बस और कुछ ना। आप अपने समय की राजनीति को कैसे एडजस्ट करते हैं? राजनीति का मतलब आपका पार्टी से है या पार्टी से? सैद्धांतिक रूप से है। सैद्धांतिक तो सैद्धांतिक रूप से है तो कहीं सिद्धांत है जीरो है और सबका घाल मिल है। बस बात यही है कि चाहे साहित्यकार हूं या पत्रकार हूं, उस आइडियोलॉजी का नाम लेते हैं और इस पार्टी से खड़े होकर कोई कुछ बोलता है, उस एक्चुअली बोल पार्टी के लहजे में रहे हैं और वो कैडर की भाषा ही बोलते हैं, पर अगर वैचारिक रूप से कहें तो राजनीति में कोई उस तरह की आइडियोलॉजी है नहीं कहीं भी, वो सारा घालमेल है, क्योंकि घालमेल होने के कारण है। मैं इसमें बहुत बीच में नहीं जाऊंगा, यदि आप पूछेंगे तो जाऊंगा, नहीं तो कोई मतलब मैं अपना सवाल सर ठीक से नहीं संकेत करता है, इस तरह की बात नहीं मैं पूछ रहा। जैसे मुद्दे आपकी कहानियों में आते हैं और हर एक चीज की अपनी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स क्या होती है? जैसे मुद्दे का चुनाव होते हैं, आपने बताया स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें बेटे चाहते हैं तो उनके बाप की मौत हो जाए ताकि उनको रोजगार मिले, ये एक मुद्दा है। तो इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं और इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पक्ष पॉलिटिक्स का होगा, उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? जी मैं यही चाहता हूँ कि बड़े स्तर पे लोग मेरी कहानियां पढ़ रहे ऐसे जागरूक हों और अपने विवेक से अपनी चीजों का निर्णय लें और उसे आज के डेट में सबसे खराब बात है जो मैं कर रहा हूं कोट करना। आप जो कोट कर देंगे तो वो सब पर लागू होता नहीं है, कोई कोटेशन किसी सब पर लागू होता नहीं है। कबीरदास के कोटेशन कह दिए वो चीजें गायब है, रहीम का कोटेशन कह दिए, तुलसी के कोटेशन कह दिए, वो चीजें सब पर लागू होती नहीं है, हो ही नहीं पाएंगी, ये असंभव है। तो एक छात्र हो, बेरोजगार हो या ये लोग हो, आप अपने हिस्से की दुनिया को ठीक रखें, समझें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। आपकी राजनीति आपकी पॉलिटिक्स यही है, मतलब आपकी पॉलिटिक्स
मेरी पॉलिटिक्स जैसे मैं तुलना नहीं कर रहा लेकिन आपके दौर जैसे हमारे कहानीकार चंदन पांडे वो चीजों को बहुत अधिक पॉलिटिकल वे में देखते हैं और आप उस तरह से नहीं देखते। मैं उस तरह से देखता हूँ, मैं भी उसी तरह से देखता हूँ, उनका दृश्य है तो मैं भी उसी तरह से देखता हूँ, मैं उसका सोलूशन उस तरह से नहीं चाहता जिस तरह वो चाहते, मेरा सोलूशन अलग। देखेंगे तो दृश्य है, वह एक कुर्सी है तो सब लोग कुर्सी देख रहे हैं, थोड़ा सा आप प्लेस चेंज करेंगे तो कुर्सी का एंगल थोड़ा चेंज होगा, कुर्सी कुर्सी रहेगी, वो भी कुर्सी देख रहा है, मैं भी कुर्सी देख रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं और सोलूशन जो सबका होता है वो अलग होता है। मेरा मानना है कि ये है, स्थितियां ये हैं, मान लीजिए कि आप जिस पर भी दोषारोपण करें ये स्थितियां हैं, उसके बाद समस्या है कि आप उन स्थितियों को समझें और गालियां दें और नारा लगाएं, स्लोगन लें, इससे ज्यादा मैं जरूरी समझता हूं कि आप जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि दुनिया क्या है, दुनिया वही है जो जितना आप देखें, दुनिया वही तो आपके हिस्से की जो दुनिया है, आपके सराउंडिंग में जो दुनिया है उसे आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपका पड़ोसी यदि बेवकूफ है, आपका पड़ोसी यदि मर रहा है भूखे तो आप निश्चिंत नहीं रह सकते, बेवकूफ है तो किसी दिन गैस खुला छोड़ सकता है और उसके घर में आग लगे तो आपके घर में भी आग लगेगी, वो भूखा है तो आज न कल वो कुछ उपद्रव करेगा जिससे आप प्रभावित होंगे। तो बात यह है कि आप ऐसा रास्ता निकालें कि अपने सराउंडिंग को अगर आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं, समझा कर बुझा कर और उसको जिस तरह से न्याय दिलाकर या जो भी आपसे बन पड़ रहे हैं तो वो करें और अपने अपने सराउंडिंग को सब लोग थोड़ा थोड़ा ठीक करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, बावजूद इसके कि मैं नारे लगाऊं। मुझे लगता है कि इसके लिए दूसरे लोग हैं। हर एक लेखक अपने डार्क रूम, मैं थोड़ा सा रचना करती है जिसको कहते हैं आमतौर पर, अपनी अपनी आदतें होती हैं लिखने की, विषय को चुनने की भी होती है। आपके लिखने की आदत क्या, कैसे लिखते हैं? जैसे रांगे राघव जी थे और उनके लिखने की एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया थी, लिखते लिखते पेज भर जाने के बाद पेज पलटना उन्हें बहुत खराब लगता था तो वो कागज से कागज साट के बहुत लंबा रोल बना लेते थे, उसको खिसकाते जाते थे और सीने के पास तकिया रख के लेट करके लिखते थे। ये उनकी सबसे पसंदीदा मुद्रा थी लिखने में। अब कुछ इस तरह से आपके लिखने की क्या प्रक्रिया, मतलब ये सवाल कहने के लेखक की आइडेंटिटी से भी जुड़ता सर, है सोसाइटी में प्रक्रिया ही मेरी बड़ी गड़बड़। पहली बात है कि जो प्रक्रिया पूछ रहे हैं वो मतलब मैं बहुत झुंझलाता हूँ अपने लेखन प्रक्रिया से। मैं जब सबसे ज्यादा व्यस्त माहौल हो, सबसे ज्यादा मेरे पर चाप हो, दूसरे काम हो, तब जैसे घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, सारे लोग खुश हो, उस समय अचानक मुझे लिखने का मन करता है। और उस समय जब मैं रूम बंद करता हूँ तो इधर मतलब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इधर कुछ होता है, इधर अपना रूम बंद कर लेता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि चीज देखिए कि बड़े मजेदार चीज है, बड़ी पुरानी रचना है, इसको मैं कोट कर रहा हूँ, मून है एकदम रामचरितमानस। रामचरितमानस की कथा चार जगह चलती है, चार लोग एक ही कथा को सुनाते हैं, शिव पार्वती को सुनाते हैं, काकभुसुंडी गरुण को सुनाते हैं, याज्ञवल भरद्वाज को सुनाते हैं, तुलसी। मजेदार बात यह है कि जब एक सुनाता है, यदि शिव सुना रहे हैं पार्वती को तो उसमें काकभुसुंडी भी करेक्टर है, याज्ञवल्क भी करेक्टर है, ये सारे लोग करेक्टर बन जाते हैं। जब भी एक सुनाता है तो बाकी सारे लोग जो, तो मेरी रचना प्रक्रिया है कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखते 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 मैं कंप्यूटर पर लिख रहा हूँ, लिखते लिखते लगता है कि मतलब चीजें बन नहीं रही, तो मैं प्रिंट लेता हूँ और उसके बाद हाथ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। हाथ से लिख रहा हूँ, हाथ से लिखते 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 उसमें चीजें बन रही है, बिगड़ रही है, उसके बाद फिर एक बार मैं कंप्यूटर पर ले जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो जो कहानी मैंने शुरू की थी
वो तो कहीं गायब हो गई। अब मैं दूसरी चीज में, दूसरे फ्रेम में दूसरी चीजें कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं बहुत, जब आती है तो लोग समझते हैं कि बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें मैं बहुत पीड़ित होता हूँ। मतलब मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं रहती, और मैं उन रचनाओं के कंट्रोल में मैं होता हूँ। वो जैसे चाहती हैं, जब चाहती हैं, जहां चाहती हैं वहीं आती हैं, वैसे ही आती हैं। ये मेरे साथ दिक्कत नहीं, मतलब आप इस तरह से कभी किसी कहानी के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि आपने लिखते लिखते सोचा कि अब ये लिखी नहीं रही थी? बस 150 कहानियां मेरे पास, 150 कहानियां है जो लगती है कि अब लिखी नहीं जाएंगी, कम से कम 150। वो सारे कंप्यूटर में अलग अलग फाइल फोल्डर के नाम से हैं कि मतलब अब तो ये पूरी नहीं होंगी। तो इसकी बुनियादी वजह ये सिर्फ सिलेक्शन का मामला नहीं है? नहीं, सिलेक्शन का मामला नहीं है, चीजें बदल जा रही हैं, बदल गई हैं, मूड बदल गया, सब दृश्य बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब लगता है कि ये होंगी नहीं, लेकिन एक मात्र मुश्किल से 15 या 20 लाइन मैंने कंप्यूटर पर लिख के रखे थे, और सर यकीन मानिए 200 लाइन को मैंने कम से कम 50 बार लिखे थे अलग अलग तरीके से। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, लास्ट में मुझे लगा कि ये नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो वो लगभग 12 साल बाद वो उपन्यास बनकर 20 लाइन मतलब आया। और तो इसी प्रतीक्षा में वो 150 कहानियां हैं कि शायद मैं कभी इस उम्र में आऊं तो खुदी हूं। बस उसकी शायद वो अपनी उम्र नहीं पाई है, यही बात है। मुझे नहीं, वो बड़ी बड़ी हो सकता है कि वो कुछ नहीं हो, या हो सकता है कि वो मुझसे बड़ी रेंज की चीज है जो मुझसे सब मिल पा रही है। बातचीत शुरू करना चाहते थे खास करके युवा पीढ़ी के चीजों पर निकल के सर देर तक बातचीत की, तो ना उम्मीदी का दौर बहुत मजबूती से हमारे सामने, आप उम्मीद कहाँ देखते हैं? देखिए, युवा जो शब्द है ये शब्द ही उम्मीद का है। युवा जो शब्द है ये बहुत उम्मीद का शब्द है, और यहीं पर सारे सपने शुरू होते हैं। और जो शीर्षक था ऐसे कुछ, स्वप्न और दुस्वप्न, तो आज मुझे जो कहानियां लिखने की जरूरत पड़ती है या लगता है, तो जिस युवा मतलब जो युवा पीढ़ी सपनों का प्रतिनिधित्व करता था, सपने देखना उसका एक, वो इतना वो इस तरह पीसा जा चुका है अभी कि वो सपने न देखकर बाकी सब वो सब कर रहा है, वो पीसा जा रहा है, वो यही उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न है कि वो सपने नहीं देख पा रहा। मुझे पता नहीं मैं आपको मैं बता पा रहा हूं कि नहीं, ये एक स्वप्न है कि वो एक स्वप्न देखे। युवा पीढ़ी के लिए मेरा स्वप्न है कि वो स्वप्न देखे। ऐसी ट्रेजेडी है अभी के समय में हर तरफ से युवा पीढ़ी के साथ कि वो स्वप्न नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहा है, उसे देखने की फुर्सत नहीं है या देखने नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे समय का सबसे बड़ा दुस्वप्न है, और हमारा स्वप्न है युवा पीढ़ी फिर से जैसे कि वो देखे, एक है ना वो फिल्मों में आता है जो अमिताभ बच्चन के दौर में कि वो लगता है कि दुनिया बदल देगा, उस तरह की चीजें अभी युवा में नहीं दिखते। वो कॉलेज खत्म होते ही वो फिर से पिसने लगता है, वो नौकरियां हैं तो ये है तो नहीं है उसके पास, वो परेशान है, तो बहुत बहुत तरह की परेशानियां है। वो उसका स्वप्न न देखना आज के डेट का, आज के दिन का सबसे बड़ा दुस्वप्न। आपकी कहानियां एक तरह से उसका प्रतिरोध करती है? मेरी कहानियां उसे स्वप्न देखने में मदद करती है, एक स्वप्न की तरह। बस वो छुएगा और वो उसका होगा, वो देखेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका सपना सच हो और ये कहानियां सारे लोग पढ़ें। बातचीत इस तरह से चलती रहेगी, अभी वाली बातचीत यहाँ पूरी होती है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।